القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله رسول الله معلوم. بسم الله الرحمن الرحيم مسألة از منكوحي منکوحی و ملوک خود تمام بدن دیدن أبني است اپنی منکوح عورت यानी बीवी और अपनी ममलूका औरत यानी बानी का पूरा बदन देखना जायज़ है तो अपनी बीवी और बानी का पूरा बदन देखना जायज़ है सर से लेकर पैर तक बदन का एक एक हिस्सा शोहर अपनी बीवी का देख सकता है आका अपनी बानी का देख सकता है ये तो जायज़ की हद है लेकिन मुस्तहब क्या है कह रहे हैं लेकिन मुस्तहब आज के शर्मगारा नबीन लेकिन मुस्हब यह है कि आदमी यानी शोहर अपनी बीवी का और आका अपनी बानी का शर्म गा देखे व अज़ने महरमा व अज़न ख़ुद वज कनीज़ अजनबी सर व रूए व साख व बाजु कह रहे हैं कि अपनी महरम औरत यानी वो औरतें जिनसे निकाह करना हराम है।, है बहन है माँ है और बेटी है तो ये सब है महरम औरत वो अज़ने महरम और अपनी महरम औरतें वो अज़न महरम खुद और अपनी महरम औरतें व अज कनीज़ अजनबी और अजनबी कनीज़ अजनबी बांदी यानी किसी दूसरे की बाँधी हमारे जमाने में बांदी के मसाइल तो है ही नहीं पुराने ज़माने के अंदर जब बांदी का वजूद था रिवाज था तो दूसरे की बांदी तो बांदी का जो सत्र है शर् सत्र वो मिसले मर्द के हैं यानी कुछ हकाम में बांदी और महरम औरत या कह लीजिए मर्द ये मुश्तरक है वह अज़ कनीस अजनबी और दूसरे की लौंडी या बानी का क्या देख सकता है सर भी देख सकता है वूए और चेहरा भी देख सकता है वसाख और पिंडली भी देख सकता है बाजू और बाज़ू और बाज़ू भी देख सकता है अज़ने महरमे ख़ुद वज़ का नबी अजनबी सर वूए वसाख व बाजू वबीन और अपनी महरम औरत और अजनबी लौंडी का चेहरा सर पिंडली और बाज़ू देखे देखें देख सकता है जायज़ है ये नहीं कि देखना ज़रूरी है या देखना चाहिए कहवा मश कर दर हम जायज़ इन लोगों को छूना भी जायज़ है अपने महरम को और दूसरी की लॉन्डी को इन हिस्से को छूना जायज़ है अगर अशहवत शहवत मामून बाशत मशरत की शहवत से मामून है तो शहवत के साथ छूना जायज़ भी नहीं है सना का बास भी है हो शिकम व पुशत नबीनद कह रहे हैं इन लोगों के पेट को ना देखे पीठ को ना देखे और रान को ना देखें ये बात यहाँ पूरी हो गई अभी था मर्द का औरत दूसरे औरत को देखने के तल्ल से कह रहे हैं कि अगर कोई मिसाल के तौर पर आज़ाद औरत है और इसने कोई गुलाम खरीद रखा है तो क्या ग़ुलाम उस आज़ाद औरत की औरत को या आज़ाद औरत के इन हिस्सों को देख सकता है कह रहे हैं कि नहीं वह बंद अजमालिक बंदा का तर्जा है गुलाम से करेंगे असलाही पहले ज़माने का अंदर जो बोलते हैं वह बंद अजमालिक मिसल अजनबी अज और ग़ुलाम अपने मालिका यानी अपने आका या कह लीजिए मालिका के हक में मिसल अजनबी है यानी उसकी जो मालिका है ग़लम की वो उससे पर्दा करेगी और गुलाम उसको उसको और उसके किसी हिस्से को नहीं मिल सकते मसला दीदन मसुए जन अबिया वक्त इराद निकाह या शरा आ बावजूद शहवत हम जायज़ क्या किसी अजनबी औरत को देखना निकाह करते वक्त या किसी बाजी को देखना खरीदते वक्त बावजूद शहवत के जायज़ हैं तो आम हालत के अंदर कोई आदमी किसी गैर महरम औरत को शहवत के साथ नहीं देख सकता है लेकिन अगर निका का इरादा है और किसी औरत को निकाह के इरादे से देखना चाह रहा है शहवत हो रही है लेकिन फिर भी देखना चाह रहा है क्या देख सकता है गुनाह का नहीं होगा इसी तरह कोई आदमी किसी लॉन्डी या मानी को ख़रीदना चाह रहा है तो बावजूद शहवत के उसको देख सकता है कह रहे हैं वह हम चुनी शाहिर नजदे तहमुल शहादत व अदाएँ आ कह रहे हैं कि इसी तरह गवाह तहमुल शहादत के वक्त और अदाए शहादत के वक्त किसी अजनबी को शहादत के साथ भी देख सकता है दो चीज़ें होती हैं एक है तहमुल शहादत और दूसरी चीज़ है अदाय शहादत तहमुल शहादत यानी आदमी किसी औरत को देखे गवाह बनने की नीय से जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके चेहरे को महफूज कर लेता हूँ बाद में गवाही दूँगा और अदाई शहादत यह है कि बिलफ्रैल आदमी गवाही दे रहा है हाकिम ने या काज़ी ने बुलाया और तस्दीक लिए तस्दीक के लिए पूछा मिसाल के तौर पर यही औरत थी तो उसका चेहरा देख सकता है तो इसे कहते हैं अदाई शहादत वो हाकिम रहा नजर हकुम इसी तरह हाकिम यानी कजी या बादशाह या मुनसिफ़ फैसला देते वक्त अजनबिया को देख सकता है मसला खोजा व आख्ता रख्मत खोजा और आख्ता का हुक्म आदमी के आदमी का हुक्म है खोजा उस आदमी को कहते हैं जिसके ज़कर यानी मकाम पेशाब कटवा दिया गया हो और आख्ता उस आदमी को कहते हैं जिसके खुशिए निकलवा दिए गए हो तो अगरचे इनका जो आले तनासर है वो नहीं है लेकिन इन पर भी वही अकाम लागू होते हैं जो आदमी पर लागू होते चाँचे लोग भी अजनबी को नहीं देख सकते हैं किसी गैर महरम औरत को छू नहीं सकते हैं